हाँ बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं, आधा नाम हिंदी वाला कह दो, इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन का अंडर रूट, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ का अंडर रूट, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है अगर नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सवाल कह सकता है कि एक से लेकर दस तक की संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, या शुरुआत की दस का, बारह, पंद्रह, कुछ भी बोल सकता है। तो नेचुरल नंबर का निकालेगा तो फॉर्मूला ये है एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई ट्वेल्व का अंडर रूट, एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई ट्वेल्व फुल का रूट। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले यूज होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं, वेरिएशन। तो एक तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन और एक हो गया कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसी को कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन भी बोल सकते हैं, चाहे जिसे नाम से पुकारे एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। 100 लगाओगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, 100 नहीं लगाओगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। ये कुछ नहीं है तो ऐसे ही बना दिया प्रजी, चाहे इसको बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या बोल सकते हो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, शॉर्टकट में सीवी, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन है बुक में, ये लिख लिया सब, एक क्वेश्चन है बुक में, क्वेश्चन नंबर 57, जो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। हमें 10, 16, 10, 16, 10, 10, 16, 16 इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पेज नंबर 186, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो पहले x लिखोगे जो है अपने ये, फिर x का करेंगे टोटल, जरा इसका टोटल करके बताओ कितना हुआ। शायद 104 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4, 8, यानी कि n हमारे कितने 8। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना तो आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे, 104 डिवाइड बाई 8 कर दोगे, आ जाएगा 13। फिर हम लोग को दूसरा काम रहेगा dx निकालना। dx कैसे निकालते, इधर देखो बेटा, x में से आपको ये x बार घटाना है,
इनमें से 13 माइनस कर करके लिखना, हर बार 13 माइनस करो। तो 10 माइनस 13 माइनस 3, 16 माइनस 13 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3। फिर इनके करने हैं आपको स्क्वायर्स, तो चाहे माइनस वाले का स्क्वायर करो चाहे प्लस वाले का, आना तो सब में 9 ही है। फिर इनका करोगे ग्रैंड टोटल, जिसको बोलेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, 72 आ गया। फिर फॉर्मूला लगा दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन का रूट, तो 72 डिवाइड बाई ए का रूट, ये आ गया 9 का रूट, यानी आंसर आ गया 3। ठीक है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दे रखे थे, 4630, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, तो सी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। 58 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर, 58 डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा आंसर आ जाएगा, सी वाला। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, 5 - 2x का वेरियंस निकालना। अब देखो बेटा, जहां आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन किस नाम से जानते हैं, वेरिएशन। एक चीज और होती वेरियंस, नाम मिलते जुलते हैं लेकिन ध्यान रखना, वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को बोलते हैं। तो पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उससे फिर उसका स्क्वायर कर देना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, 5 का इस्तेमाल कहां करेंगे हम लोग, 6 हो गया, 6 तो आया स्टैंडर्ड डेविएशन, 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बता सकते हो, सीवी निकालना है, सीवी का फॉर्मूला बताया, पुट कर दो, या 25 या 50 इंटू 100 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 50%। समझ गए बेटा, चलो 61 लगाओ, 62 लगाओ तुरंत, 61 लगाओ 62 लगाओ, तेरा आ जाएगा। ठीक है, इसका निकालो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस होता है वो, नाम में ध्यान रखो, वेरियंस और वेरिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हुए तो सवाल गलत हुआ। बेटा 94 वाला क्या कह रहा है, एक इक्वेशन बना दी है y is equal to 2x plus 5, फिर x का क्या बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना है, 5, और am कितना है अर्थमेटिक मीन, 10। तो हमें पहले इनका y निकालना पड़ेगा, y का स्टैंडर्ड डेविएशन और y का am, am निकालने के लिए am होता है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी, इसको निकालने के लिए जब y का am निकालोगे तो पूरी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, तो y का am कैसे आएगा, इस पूरे में यहाँ 10 पुट करोगे, यानी y का am आ जाएगा 25, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो ये डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन की चीज निकालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, केवल इसे का इस्तेमाल करते हो, 10 करेक्ट। अब इसका निकालना है आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, एएम नीचे गुणे 100, ये 40 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो एक एक करके पढ़ेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो इंडिविजुअल सीरीज में इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में होता है सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। इसमें क्या होता है, ये लगा होता है, इसका मतलब है प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना है आपको, ठीक है। मतलब डी एक्स कैलकुलेट करते समय अगर माइनस में भी आए तो माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, डी एक्स निकालते समय भी लिख देंगे, ठीक है। ये लगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस साइन को इग्नोर करते हैं। ऐसे ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता है इंडिविजुअल सीरीज में, इसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा डी एम डिवाइड बाई एन, यहां डी एक्स था यहां डी एम, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफ डी एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ, एन लिखा है यहां पे। और कोफिशंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना होता है, तो जो अबाउट के बाद होता है बस इससे डिवाइड करना रहता है। यहां पे आपने क्या निकाला, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, मीडियन से। और इसी तरीके से मोड वाले का फॉर्मूला बनता है, मीन डेविएशन अबाउट मोड इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला सिग्मा एफ डी जेड डिवाइड बाई एन, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ डी जेड डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और इसके कोफिशंट का यानी कोफिशंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड, अबाउट लिखे चाहे कुछ लोग फ्रॉम भी लिखते हैं कुछ किताब वाले, वही बात है। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एम डी अबाउट मोड, मतलब जो ये आंसर निकाले हो, डिवाइड बाई मोड इंटू सो। और एक नोट आएगा, वाइल कैलकुलेटिंग डी एक्स या डी एम या डी जेड, इनको निकालते समय नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, नेगेटिव साइन शुड बी इग्नोर्ड। डीएक्स डीजेड डीएम निकालने के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करना होगा, नेगेटिव पे आया पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव आया तो भी पॉजिटिव लिखो, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, एक चीज और है, डीएक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार से, डीएम कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एम से, और डीजेड कैसे निकलेगा, एक्स माइनस जेड से। यानी ये वाला सॉल्व करने के लिए पहले आपको मीन निकालना ही पड़ेगा, ये वाला सॉल्व करने के लिए पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, ये मीडियन निकालो पहले तब सवाल शुरू हो पाए, और ये वाला सॉल्व करने के लिए पहले मोड निकालना पड़ेगा तब सवाल शुरू हो पाए। इसमें स्क्वायरिंग नहीं करनी होती, ऐसे ही सॉल्व करना होता, समझ गए। तो ये फॉर्मूले हैं, इसकी फोटो मैं भेज दूंगा, आराम से नोट कर लेना घर पे। अभी आओ सवाल करते हैं, समझ गए, उसको अप्लीकेशन करना, देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, सबसे पहले 88 क्वेश्चन नंबर 88 जो पेज नंबर 190 पे है फाउंडेशन वाली किताब में, एक्स लिखे हुए हैं बेटा 60 65 68 70 75, ऐड करो बेटा 73 80 70 83 86, सबको ऐड करके बताओ जरा कितना आया, 730 पक्का 730, कितने नंबर हैं। तो x बार कितना हो गया 73। फिर क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे बेटा dx, कैसे निकाला जाता है, x माइनस x बार करके। तो अब इसमें से हमें और dx का क्या निकालना है, मतलब प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना है, तो केवल डिफरेंस निकाल के लिखोगे 13,
फिर डिफरेंस निकाल के लिखोगे 68 से 73 5 प्लस में आया तब भी प्लस में लिखो, माइनस में आया तब भी प्लस लिखो। ठीक है, और इनका करो बेटा सम, इसको बोलेंगे सिग्मा डीएक्स। सिक्सटी फोर आ रहा है तो 64 डिवाइड बाय एन यानी कि 10, यानी मेन डेविएशन अबाउट मेन कितना आ गया 6.4। देखो ऑप्शन होगा 6.4 का कुछ है, जोड़ने घटाने में गड़बड़ का दिन होगा ये, गलत सर जोड़ देती हैं क्या बताएं हम ये। चलो जुड़वाओ भाई, 13, 21, 25, 26, 27, 29, 29, 31, 31, 32, 37, 38, 38, 41, 41, 51, 52, 54, 65, हाँ तो 64 ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो 6.4 होना चाहिए। देखिए भाई 60 है, 65 है, 68 है, 70 है, 75, 73, 80, 70, 83, 86, ऐसा तो सब सही लग रहा है। ठीक है, टोटल भी सही लग रहा है। 10, 13, 23, 24, 26, 27, 33, 33, 35, 35, 40 कहाँ पे देखो, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, 75 में 2 लिख दिए हैं, 73। अब देखो कहाँ गड़बड़ है, हमें तो कहीं नहीं महसूस हो रहा है। हाँ ठीक है, तो 6.4 आंसर आएगा। ठीक है, और आगे करोगे तो ही पता चल जाएगा, आंसर गलत होगा तो उसमें क्या कर सकते नहीं, तो ऑप्शन ही गलत है ना, मतलब या तो सवाल गलत है या तो ऑप्शन गलत है। आगे सवाल लगाओ कंफर्म हो जाएगा, मतलब मेथड सीख है अपना, हम लोग को मेथड चेक करना आंसर थोड़ी ना, आंसर तो वहां लिख के सही एबे करेगा, एग्जाम में सही आंसर आएगा। अभी तो यहाँ गलत लिखा है बुक में, तो क्या कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं दिया। दूसरा सवाल ट्राई करो, जैसे इसके जस्ट पहले वाला सवाल था 87, एक्स है आपके 50, 60, 50, 60, 60, 50, 50, 60, 60, 50, 50, 60, 60, 50, 50, 60, 60, 50, 50, 60, 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
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, एन 13 है। तो टोटल करो बेटा कितना हुआ, 660। पक्का चेक कर लो। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात छ 42। सात सौ बीस आ रहा है, 760 बता रही थी अभी तू, 720 आ रहा है। ठीक है, तो इससे निकाल लो बेटा मीन, 720 डिवाइड बाई 13 कितना बताया, 55.38। तो 55.38 सब में से माइनस करो। ठीक है, तो कोई एमसीक्यू में क्या इतना बड़ा नहीं देगा, चार पांच नंबर देगा, फटाफट निकाल लोगे। और वहां जो सवाल आएगा उसमें ऐसा भी नहीं एक पॉइंट में आ जाए, बहुत ज्यादा लेंदी सवाल नहीं पूछेगा एक नंबर में। यहां प्रैक्टिस करने के लिए लेंदी सवाल बना दिया है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो इतना लेंदी